देवों के देव महादेव में पार्वती का किरदार निभाकर मशहूर हुई एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर बीच लाइफ एंजॉय करते हुए अपनी एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वो बिकिनी में पोज देती दिख रही हैं। कैप्शन में लिखा है सीज ऑफ द डे। पिछले साल मई में सोनारिका ने बीच हॉलिडे की कुछ बिकिनी फोटोज पोस्ट की थी जिन पर काफी अश्लील कमेंट्स आए थे। इन भद्दे कमेंट्स का सोनारिका ने कड़ा विरोध किया था। पिछली बार की तरह इस बार भी बिकिनी फोटोज शेयर करने पर उन्हें इंस्टाग्राम यूजर्स से अलग अलग तरह का रिएक्शन मिला है। कुछ लोगों ने इन फोटोज की तारीफ की तो कुछ यूजर्स ने उसे अश्लील बताया। सोनारिका फिल्म सांसे के जरिए डेब्यू करने वाली है। एक्टर ओम पुरी का 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बॉलीवुड के साथ कई हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके ओम की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल रही थी। ओम पुरी की पर्सनल लाइफ कई बार विवादों में रही। उन्होंने दो शादी की है। 1990 में उन्होंने अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से पहली शादी की थी। शादी के एक साल बाद ही उनकी लाइफ में जर्नलिस्ट नंदिता पुरी की एंट्री हो गई थी। इसके बाद सीमा को छोड़ उन्होंने नंदिता का हाथ थामा। तलाक के बाद 1993 में उन्होंने नंदिता पुरी से शादी की जिससे उन्हें एक बेटा भी है। 2013 में दोनों अलग हुए थे। ओम पुरी की बायोग्राफी अनलाइक हीरो ओम पुरी नंदिता ने ही लिखी थी। ओम की लाइफ से जुड़े कई चौंकाने वाले किस्से इस बुक में लिखे थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि ओम पुरी ने 14 साल की उम्र में घर की नौकरानी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। नंदिता ने किताब में खुलासा किया था कि मामा के घर पर काम करने वाली 55 साल की नौकरानी से ओम पुरी को प्यार हो गया था। एक दिन घर की लाइट गुल हो गई और नौकरानी ने मौका देखकर उन्हें पकड़ लिया था। वेटरन चाइनीज एक्टर जैकी चैन के साथ दिशा पटानी की एक चाइनीज फिल्म कुंग फू योगा आ रही है। इसी के प्रमोशन के लिए दिशा ने समुद्र के अंदर किए गए योगा की एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है जिसमें वो बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। दिशा का ये बोल्ड अवतार शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये फिल्म 3 फरवरी को रिलीज होगी। हाल ही में दिशा पिछले साल की सबसे सफल फिल्मों में शुमार फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान दोनों अपने आप में एक शख्सियत हैं। पीएम मोदी और सलमान खान दोनों ही अक्सर खबरों में बने रहते हैं लेकिन फिलहाल सलमान खान और नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर एक साथ चर्चा की जा रही है। सलमान और पीएम मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये तस्वीर गुजरात की काइट प्रतियोगिता के दौरान खींची गई थी। कुछ साल पहले इस प्रतियोगिता में नरेंद्र मोदी के साथ सलमान खान ने भी हिस्सा लिया था। उस दौरान मोदी और सलमान ने मिलकर खूब पतंगबाजी भी की थी लेकिन पतंगबाजी के दौरान नरेंद्र मोदी की उंगली कट गई। फिर क्या, सलमान खान को नरेंद्र मोदी का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने झट से मोदी की उंगली पर बैंडेज लगा दी। अब इतने साल बाद नरेंद्र मोदी और सलमान खान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फिर एक बार वायरल हो रही है। मॉडल के रूप में पहचानी जाने वाली बिपाशा ने जब 2001 में बॉलीवुड में कदम रखा तो वो एकदम सफलता के शिखर पर पहुंच गईं। फिल्म अजनबी बिपाशा की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। भले ही आज हम उनको बड़ी स्क्रीन पर कम देख रहे हों लेकिन सोशल मीडिया पर वो आज किसी भी नई अभिनेत्री से ज्यादा एक्टिव हैं। बॉलीवुड में एक वक्त था जब हर तरफ केवल बिपाशा बसु के ही चर्चे हुआ करते थे। जॉन अब्राहम के साथ सालों लंबा रिलेशन किसे याद नहीं है। बाद में करण सिंह ग्रोवर जैसा साथी उन्हें मिला जिसने उनका हाथ थामा और दोनों ने घर भी बसा लिया। इन दोनों के कई फोटोज और वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते ही रहते होंगे। तो चलिए उनसे हटकर आज हम आपको बिपाशा के वो हॉट फोटोज दिखाते हैं जो आपको इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा देंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।